नमस्कार, मैं श्रीमती रीता मंडल, पीजी उमाठे, पूर्व माध्यमिक कन्याशाला शांतिनगर रायपुर से। मेरे साथ कुमारी कौशिक मंडावी है, कक्षा 8वीं की छात्रा है और मेरे मार्गदर्शन में इसने ये गणितीय साइकिल यहाँ पर बनाई है। जिस प्रकार साइकिल में चलने से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार इस गणितीय साइकिल के माध्यम से बच्चे गणित में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे साइकिल जब हम चलाते हैं तो पहिए हमारे आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमें गणित में आगे बढ़ने के लिए इन पहियों, ये जो पहिए हैं, ये मदद करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमने दोनों पहियों में गणित की अवधारणा सर्वसमिका को दर्शाया। यहाँ पर सर्वसमिका का बायां पक्ष लिखा है और यहाँ पर सर्वसमिका का दायां पक्ष लिखा है। यहाँ पर हमने एक मोटर के जरिए यहाँ पर एक फैन लगा दिया है और इस तीर को जब हम ये मोटर को दबाएंगे तो इस तरह से ये घूमता है और जैसे ही हम बंद करते हैं ये कहीं एक जगह आकर रुक जाता है। अभी ये a माइनस b का घात 3 पर आकर रुका है। अब जब हम इसे खेल खेल में बच्चों के साथ इस तरह से करते हैं तो बच्चे इस सर्वसमिका का जो दायां पक्ष है वो बच्चे यहाँ पर बताते हैं कि इसके दायां पक्ष में क्या आएगा और वो खेल खेल में सूत्रों को याद कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब आया तो यहाँ से बच्चा जो है यहाँ पर देखेगा सारे ऑप्शंस को और जो उसे सही लगेगा वो उसे वहाँ पर उसमें उसको मिला देगा। तो इस प्रकार से इस गणितीय साइकिल के माध्यम से बच्चे खेल खेल में, हमने मोटर इसीलिए लगाया कि बच्चे जब बार बार बटन को दबाते हैं और फैन घूमता है तो उन्हें वहाँ पर बहुत मजा आता है और टीचर की अनुपस्थिति में भी जो कुछ बच्चे हैं वो जो सर्वसमिकाओं को अच्छे से समझते हैं, सूत्र उन्हें याद है, उनकी मदद से बच्चे शिक्षक की अनुपस्थिति में भी इसका प्रयोग करके सर्वसमिका को आसानी से समझ सकते हैं। और केवल यह इसी अवधारणा के लिए नहीं, हम इन पहियों को बदल बदल कर अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग अवधारणाओं के लिए इस गणितीय साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज के गुण यहाँ हम लिख दें और उसके उत्तर को हम यहाँ लिख दें तो बच्चा यहाँ से उत्तर को मिलाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अवधारणाएं हैं जिसको इस गणितीय साइकिल के माध्यम से हम बच्चों के अंदर ला सकते हैं। धन्यवाद।